में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और बैठक में एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी विस्तार न्यूज के माध्यम से दे दें, जहां पर दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की एक बड़ी बैठक हुई है। आपको बताएं कि संसद का सत्र चल रहा है, सातवां दिन है आज, और आज ही प्रधानमंत्री मोदी धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी देने वाले हैं। और इससे ठीक पहले एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई, पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है और इस बैठक में एनडीए के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे हैं। एनडीए के साथियों, प्रधानमंत्री जी ने जो बातें एनडीए के साथियों के साथ सारे एमपीस को शेयर किया है और जो गाइड किया है, हम लोगों को एक मंत्र दिए हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर एक एमपी सदन में देश सेवा के लिए आए हैं, बाकी कोई भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, लेकिन देश सेवा ये प्रथम हमारा दायित्व है। और हर एक एनडीए का एमपी को देश को सबसे ऊपर रख करके काम करना है। तो देखिए, संसद सत्र का आज सातवां दिन है, सदन में आज भी हंगामा हो सकता है, हंगामे के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब भी देने वाले हैं। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर भी बोलेंगे पीएम मोदी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, आज संसद सत्र का सातवां दिन है, सदन में आज भी हंगामा हो सकता है। पीएम मोदी आज संसद में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, कल जो उन्होंने अपने भाषण के दौरान आरोपों की बौछार कर दी है सरकार पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, उसका जवाब भी देंगे, उस पर भी बोलेंगे पीएम मोदी। आज प्रधानमंत्री जी का लोकसभा में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण पे जो धन्यवाद प्रस्ताव है उसका जवाब 4 बजे देंगे। आज 4 बजे, आज के तारीख 2 जुलाई 4 बजे प्रधानमंत्री जी का रिप्लाई होगा। और इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमृत, आज जिस तरह से ये बैठक हुई है एनडीए की, सबसे पहले इस पर ही चर्चा करते हैं, आप बताइए कि आज क्योंकि धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं पीएम मोदी, ऐसे में कितनी अहम हो जाती है ये एनडीए की बैठक? बिल्कुल, ये बैठक काफ़ी अहम रखती है। कल जब राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने लगातार अपने पूरे संबोधन में भारतीय जनता पार्टी और खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काउंटर दिए। इस दौरान उनकी कई बातें ऐसी थी जो संसद के नियमों के विपरीत थी और बाद में उनको सदन की कार्रवाई से हटा भी दिया गया था। राहुल गांधी के विवादित बयान जो खासतौर पे हिंदू समाज को लेकर के उन्होंने जो कही, उसको लेकर के कई जगहों पे हिंदूवादी संगठनों ने उसका प्रश्न भी किया भी जताया है। और इसी के मद्देनजर अमृत आपको रोकना चाहूंगी मैं, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं वो सुना। हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए, आप स्पीच को एक्सपेंड कर राहुल जी बोल रहे हैं भाई, आप बोल रहे हैं राहुल जी, अरे बोल रहे हैं इधर भी भाई। मोदी जी की दुनिया में सच्चाई एक्सपंज हो सकती है मगर रियलिटी में सच्चाई एक्सपंज नहीं हो सकती है। जो मैंने कहा था, जो मैंने कहना था मैंने कह दिया, वो सच्चाई है और एक्सपंज करें जितना करना है करें, सच्चाई सच्चाई होती है। धन्यवाद। ऑथेंटिकेट करने को कहा अमृत, अमृत राहुल गांधी अभी ये कहते नजर आ रहे हैं कि सच्चाई सच्चाई होती है, हम जो कह रहे थे वो सच कह रहे थे और सच कभी झुठलाया नहीं जा सकता, और आज हंगामा भी हो सकता है क्योंकि आरोपों पर बोलने वाले हैं पीएम मोदी। बिल्कुल, देखिए जो एनडीए की बैठक हुई थी इसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जो बातचीत हुई है और जो उनके अपने सांसद जितने भी एनडीए के उन्होंने जो उनको एक उनको एक इंस्पिरेशन को लेकर के जो सदन की मर्यादा है उसको लेकर के जो बातें कही हैं उसमें साफ तौर पे उन्होंने ये कहा कि आप काउंटर कीजिए लेकिन सधे हुए अंदाज में करिए, सही तरीके से करिए। किरण रिजिजू ने जो बातें कही वो तो पब्लिक डोमेन के लिए है लेकिन सदन के भीतर ये मान के चलिए कि बहुत ही जो माहौल
होगा वो प्रचंड रहने वाला है। सत्ता पक्ष भी अब पूरी तरह से हमलावर होगा और विपक्ष को काउंटर करने की जो है एक जोरदार तरीके से कोशिश करेगा। नो डाउट इसकी जो है कहा जाए कि जो पूर्णाहुति है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। शाम 4 बजे जब वो बोलेंगे तो देखना होगा कि किस अंदाज में वो राहुल गांधी और अंदाज की आप बात करें। अमृत, आपको मैं रोकना चाहूंगी क्योंकि इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बताएं कि एनडीए सांसदों को पीएम मोदी ने एक नसीहत दी है, संसदीय आचरण का सांसद ध्यान रखे, ये कहा है पीएम मोदी ने। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई ठीक पहले सत्र से और इस बैठक में पीएम मोदी ने एक नसीहत भी दे दी है अपने सभी जो सांसद हैं उनको, जो एनडीए के सांसद हैं। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि कुमारी शैलजा कुछ कह रही हैं, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कह रही हैं। उसे कहते हैं और अगर सच्चाई कड़वी लगती है सत्ता पक्ष को तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी सरकार का या सत्ता का इस तरह से इस्तेमाल करते हुए नेता प्रतिपक्ष की बातों को एक्सपंज करवाएं। हमें लगता है कि स्पीकर साहब को इस पर पुनः विचार करना चाहिए। राहुल जी ने जो कहा है वो सारा देश कह रहा है, सारा देश समझता है। हिंदुत्व का जो मैटर है उसको लेकर जिस तरह से बातें की जा रही है बीजेपी की तरफ से, तो अमृत लगातार जो है वो विपक्ष के नेता यही कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो सांसद है वो कह रहे हैं कि सत्ता पक्ष को जो हमारे आरोप हैं वो झूठ लगते हैं। लेकिन पीएम मोदी ने एक बड़ी नसीहत अपने सांसदों को दे दी है। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि संसदीय आचरण का संसद में आप सभी को ध्यान रखना है। देखिए, जब विपक्ष हमलावर हो और उसकी भाषा शैली को लेकर के सवाल भी उठाए जा रहे हों तो लाजमी तौर पे ये अब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की तरफ से कोशिश होगी कि वो अपना स्वरूप कुछ अलग दिखाएं। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि विपक्ष को काउंटर करने में जो प्रचंडता होनी चाहिए वो सत्ता पक्ष के नेता ज़रूर दिखाएंगे, चाहे एनडीए दल पार्टी के नेता सांसद हो। तो इसको लेकर के ये पूरी तरह से लोग एक तरह से ये संभावना जाहिर कर रहे हैं कि सदन की जो कार्रवाई होगी उसमें सत्ता पक्ष का भी रौद्र रूप जरूर देखने को मिलेगा। कल राहुल गांधी ने जिन जिन बातों को लेकर के टारगेट किया है उसका जवाब तो दिया जाएगा और वो जवाब जो है सिर्फ एक सौम्य अंदाज में नहीं दिए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर उसके लिए कुछ कठोर वचन भी बोले जाएंगे, कठोर अंदाज भी देखा जाएगा और इस दौरान सदन में शोरगुल का माहौल जरूर बनेगा क्योंकि विपक्ष अपने आपको ये मान के चल रहा है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जरूर आया है कि उनके भीतर एक जुटता है और जो पहले स्थिति 10 सालों के दौरान रही थी वो मौजूदा दौर में अब नहीं है। लिहाजा वो हंगामा की जिस हल्ला होने की और हंगामा होने के आसार अब जता रहे हैं सीधा वही तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाते हैं। सीधा अपने दर्शकों को लिए चलते हैं लोकसभा जहां पर सत्र की शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल अमृत का बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे अपनी पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण बोलने का मौका दिया है। अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार अपनी बात रख रहे हैं। मैं सबसे पहले अध्यक्ष जी आपको और आपके साथ साथ सभी चुने हुए सांसदों को मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं सबसे पहले देश के उन सभी समझदार और ईमानदार मतदाताओं को धन्यवाद जिन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनाने से रोका। चुनाव के समय पर अध्यक्ष जी ऐसा कहा गया कि 400 पार, मैं समझदार जनता को फिर एक बार धन्यवाद दूंगा और मैं कुछ कहना चाहता हूं कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बेनूर है पर। अध्यक्ष महोदय, दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है
और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय, जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं। दरअसल पूरा इंडिया समझ गया है कि इंडिया ही प्रो इंडिया है। इस चुनाव में इंडिया अलायंस की नैतिक जीत हुई है। ये पीडीए इंडिया की सकारात्मक राजनीति पॉलिटिक्स जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉलिटिक्स की जीत हुई है। ये इंडिया पीडीए की सोशल जस्टिस मुहिम की विक्ट्री है। 2024 का परिणाम हम इंडिया वालों के लिए जिम्मेदारी से भरा पैगाम भी है। और अगर हम यूं कहें अध्यक्ष महोदय कि 15 अगस्त 1947 अगर उपनिवेशिक राजनीति से आजादी का दिन था तो 4 जून 2024 देश के लिए सांप्रदायिक राजनीति से आजादी का दिन रहा। ये सांप्रदायिक राजनीति के अंत और सामुदायिक राजनीति की शुरुआत है। जहां सांप्रदायिक राजनीति का अंत हुआ है वहीं सामुदायिक राजनीति की शुरुआत हुई है। सबसे अच्छी बात हुई ये है कि इस चुनाव में सांप्रदायिक राजनीति हमेशा के लिए हार हो गई है। अध्यक्ष महोदय, कहने को सरकार ये कहती है कि ये फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है और जीडीपी के मामले में फिफ्थ वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गई है। लेकिन अध्यक्ष मोदी ये सरकार क्यों छिपाती है कि अगर ये हमारी सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर हम पांचवें नंबर पर हैं तो हमारे देश की पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय हमारे किस स्थान पर पहुंची है। और हम लोगों ने तो अध्यक्ष मोदी देखा है कि अगर दिल्ली की सरकार ने कहा होगा कि $5 trillion की इकोनॉमी बनेगी तो जहां से प्रधानमंत्री जी चुन करके आते हैं वहां का प्रदेश के सरकार भी कह रही कि हम $1 trillion इकोनॉमी बना लेंगे। देश की इकोनॉमी कहां पहुंच गई, पर कैपिटा इनकम क्या है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को अगर $1 trillion की इकोनॉमी बनना है तो कम से कम 35% की ग्रोथ चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि 35% की ग्रोथ उत्तर प्रदेश पा पाएगा। हम हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं, नीचे से कहां हैं। जो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कर रहे हैं वो इनइक्वालिटी के पैरामीटर पे कहां खड़े हैं, वो हैप्पीनेस इंडेक्स में कहां खड़े हैं। और जो लोग चुनाव को अपने तरीके से मोड़ते हैं मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस चुनाव के परिणाम ने तोड़ने वाली राजनीति को तोड़ दिया है और जोड़ने वाली राजनीति की जीत हुई है। इस चुनाव में धन धन छल बल की नकारात्मक राजनीति की शिकस्त हुई है। ये चुनाव जो देश का हुआ ये सकारात्मक राजनीति का नया दौर शुरू हुआ है। इस बार प्रो कॉन्स्टिट्यूशन वालों की जीत हुई है। हम मानते हैं संविधान ही संजीवनी है, उसी की जीत हुई है। ये संविधान मंथन में तो लोकसभा सत्र का सातवां दिन है आज और इसकी शुरुआत भी हो गई है। हंगामेदार रहने के आसार बताए जा रहे हैं।
अब आगे जब पीएम मोदी भी जब बोलेंगे और आगे जब हंगामे होंगे उसकी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब आपको एक बड़ी खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बता दें, क्योंकि यहां भी मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून का सत्र चल रहा है और आज दूसरा दिन है। आज सदन में गूंजेगा नरसिंह घोटाले का मुद्दा। सदन में 7 पत्रों को रखा जाना है, पटल पर 7 पत्रों को रखा जाना है और कार्यवाही के दौरान सदन में दो ध्यानाकर्षण भी होंगे। तो आपको बड़ी जानकारी दे दें, क्योंकि विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और सदन में नरसिंह घोटाले का मुद्दा जो है वो गूंजने वाला है और मॉनसून सत्र है। यहाँ पर कांग्रेस विधायक जो है विक्रांत भूरिया, उनसे हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला ने बातचीत की है, आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। विक्रांत भूरिया जी भी हमारे साथ हैं, युवा विधायक हैं। दूसरा दिन है आज सत्र का और आज आप लोगों को बात करने के लिए स्पीकर साहब ने कहा था कि प्रश्नकाल के बाद बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं स्वीकार करा गया? जब हमने ये कल 40 से ज़्यादा विधायकों ने हस्ताक्षर कर ये बात कही कि नरसिंह घोटाला सबसे बड़ा घोटाला है, इस पर चर्चा होना चाहिए, सरकार डर गई है, बैकफुट पर है सरकार और यही बैकफुट के कारण आज उन पर दबाव बनाया। तो आज ध्यान आकर्षण के माध्यम से बात करना चाह रहे हैं, पर हम एक बात साफ कर देना चाहते हैं, अगर पूरी तरह से हमें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा तो बिल्कुल हंगामा करेंगे, पर अपनी बात जो हम रखने आए वो पूरी ताकत से रखेंगे और सरकार को सुनना भी पड़ेगा। कल सदन में जिस तरीके से लोकसभा में राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और निशाना साधा है और यहाँ भी लोकसभा चल रही है, आप लोग भी अड़े हुए हैं अपनी बात को लेकर? निश्चित तौर पर, देखिए, हम जनता के लिए, कांग्रेस पार्टी का जो विचारधारा है वो जन आंदोलन से उपजी पार्टी है और अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमें बात करने का रखने का मौका नहीं दिया जाएगा तो संविधान की रक्षा कौन करेगा? और वही चीज़ हम लोकसभा में भी कर रहे हैं और विधानसभा में भी कर रहे हैं। नरसिंह घोटाले के अलावा और कौन सा मामला है आपके पास, क्योंकि लंबे दिनों तक चलनी है विधानसभा, कौन कौन से मुद्दे उठाने वाले? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं पर आज जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो नरसिंह घोटाला हुआ है और जो मध्य प्रदेश को कर्ज के भार के नीचे दबा दिया गया है, पूरी तरह से जो व्यवस्था है, वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो गई है, सुरक्षा के नाम पर जबरदस्त अत्याचार हो रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं कुछ मिल नहीं रही हैं, शिक्षा सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, तो पूरी तरह से ये प्रदेश गर्त में जाता जा रहा है और यही इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग सदन में जा रहे हैं। तो ये थे विक्रांत भूरिया जो कि कह रहे हैं कि सदन में अपनी बात रखेंगे, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लगातार आवाज़ उठाएंगे, लेकिन नरसिंह घोटाला मामला सबसे महत्वपूर्ण है जिस पर आज भी बात करेंगे और स्पीकर साहब ने कहा भी है समय देने, अगर नहीं देते तो हंगामा भी करेंगे, लेकिन सलीके से अपनी बात रखने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन नागेंद्र के साथ अंचल शुक्ला, विस्तार में। बिल्कुल, तो देखिए मुद्दे कई हैं और सदन में कई मुद्दों पर घेरने की सरकार को तैयारी भी है विपक्ष की और सबसे बड़ा मुद्दा नरसिंह घोटाले का मुद्दा है विपक्ष के लिए और दूसरा बड़ा मुद्दा कर्ज का मुद्दा है जो विपक्ष बार बार सवाल कर रही है कि इतने कर्ज जो लिए गए उसको लेकर श्वेत पत्र भी जारी करने की मांग जो है वो की जा रही है। तो आपको बता दें कि मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है और सदन में जिस तरह से कल हंगामा हुआ उसके बाद एक बार फिर आज सदन में जो है वो हंगामे के आसार है और सबसे पहले नरसिंह घोटाला का जो मुद्दा है ये गूंजने वाला है सदन में। 7 पत्रों को भी रखा जाना है पटल पर और कार्यवाही के दौरान सदन में 2 ध्यानाकर्षण भी होने वाले हैं। तो देखिए, नरसिंह घोटाले पर मध्य प्रदेश सरकार को घेरती नजर आ रही है कांग्रेस, हर जगह प्रदर्शन कर रहे हैं जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं और ऐसे ही विश्वास सारंग के घर के बाहर भी कल उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया था, घर का घेराव किया और अब सदन में भी इस बात पर सवाल जो है वो उठाती हुई नजर आ रही है कांग्रेस और सरकार को जो है वो जवाब देना होगा इस पर। अब इसी बीच आपको सुनाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार कुछ कह रहे हैं। विश्वास सारंग का इस्तीफा मांगेंगे सरकार से जो इस सरगना है पूरे घोटाले का। सर, लेकिन सरकार के कई मंत्री ये कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार के दौरान भी क्यों उसकी भी जांच होना। अरे भैया यार, एक मिनट, यहाँ बैठे हो रही थी। तो देखिए, उमंग सिंघार पहुंचे हैं अब क्योंकि सदन की जो कार्यवाही है वो शुरू होने वाली है और तमाम जो विधायक हैं वो पहुंच रहे हैं यहाँ पर और अपनी अपनी बातें जो है वो सामने रख रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे थे मध्य प्रदेश विधानसभा से जहाँ पर विधानसभा का सत्र शुरू हो चुका है, मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है आज और सदन में एक बार फिर से हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं क्योंकि नरसिंह घोटाले का मुद्दा जो है वो विपक्ष जोर शोर से रखने वाली है। सदन में 7 पत्रों को भी पटल पर रखा जाना है और कार्यवाही के दौरान सदन में 2 ध्यानाकर्षण भी होंगे। हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला वहां पर मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे और उनसे ही सवाल करेंगे कि क्या कुछ तस्वीरें वहां पर निकलकर सामने आ रही हैं। अंचल,
कल पहला दिन था सत्र का, जिस तरीके से हंगामा हुआ, जिस तरीके से तस्वीरें प्रदर्शन के निकलकर सामने आई, आज क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर? देखिए प्रतिज्ञा, कल पहला दिन था सत्र का और मानसून सत्र का और बजट भी प्रस्तुत होना है इसमें, लेकिन इससे पहले ही नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर के पूरी कांग्रेस एकदम आक्रामक नजर आ रही है और कल भी उनने आंदोलन और प्रदर्शन किया था और सदन के भीतर भी लगातार इस पर विस्तृत तरीके से बात करने की बात कही थी। आज भी जब कांग्रेस के विधायक यहाँ पर आए थे, कांग्रेस के विधायकों का कहना है कि जिस तरीके से विधानसभा जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कल कहा था कि प्रश्नकाल के बाद हम इस विषय पर बात करेंगे, हालांकि सीएम ने कहा था कि ध्यान आकर्षण लगाकर इस विषय पर बात करें। तो कुल मिला के अभी जो पूरा जो मामला है वो गर्म है इस पूरे मामले को लेकर, नर्सिंग घोटाले मामले को लेकर के, और आज सारे विधायक फिर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से जब हमने बात की तो उन्होंने मीडिया से कहा था कि जो इसका सरगना है, पूरा ये जो मामला है, घोटाला है, इसका जो सरगना है विश्वास सारंग, उससे हम इस्तीफे की मांग करेंगे। और लगातार ये कल से चल रहा है और सड़क से सदन से लेकर सड़क तक कांग्रेस इस लड़ाई को लड़ने के मूड में है। इसके अलावा भी कई मुद्दे हैं लेकिन महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वो आज यही है। आज देखना ये बहुत जिज्ञासा वाला रहने वाला है कि किस तरीके से इस पर स्पीकर का विवेक, किस तरीके से इस विषय को लेकर के कैसी चर्चा होती है और कांग्रेस क्या आधार रखती है और भारतीय जनता पार्टी या सरकार की पक्ष तरफ से किस तरीके का आधार और तथ्य रखे जाते हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के समय में ये घोटाला हुआ था। तो कांग्रेस के अपना दावा है, भारतीय जनता पार्टी के अपने दावे हैं और दोनों ही दावों को तथ्य के आधार पर सही और गलत माना जाएगा। और अब सदन की कार्यवाही शुरू है भीतर और आज दो ध्यानाकर्षण भी लगे हैं और इसके अलावा कई सवाल भी हैं प्रश्नकाल के बाद, ऐसी पूरी उम्मीद है क्योंकि कल स्पीकर ने कहा था कि इस पर चर्चा होगी, तो किस नियम के हिसाब से, और क्योंकि इसका न्यायालय में पूरा मामला चल रहा है, सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो निश्चित रूप से गंभीर मामला है और कांग्रेस लगातार इस पर चर्चा को लेकर के अड़ी हुई है। बिल्कुल अंचल, तो आप लगातार जो है वहां पर जितने भी विधायक पहुंच रहे हैं आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति है, कैसे जवाब दिया जाएगा इन सवालों का? देखिए प्रदेश के राज्य मंत्री हैं नरेंद्र शिवाजी पटेल, उनसे हमने जब बात करी इस विषय को लेकर के तो उन्होंने कहा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और सदन के भीतर हम तथ्य रखेंगे और हम इस चीज़ को साबित कर देंगे कि कांग्रेस पार्टी के समय में इस तरीके का घोटाला हुआ है। लेकिन कांग्रेस कह रही है साक्ष्य दीजिए भैया, हमारे पास तो साक्ष्य हैं, मजबूत आधार है और उस पर हम बात करेंगे और जब चर्चा होगी इस विषय को लेकर के, और लगातार विश्वास सारंग के जो इस्तीफा है उसकी भी मांग की जा रही है। अब आज का दिन बहुत दिलचस्प रहने वाला है विधानसभा का, क्योंकि ये जो विषय है जो लगातार विधानसभा शुरू होने से पहले ही सड़कों पर और तमाम प्रदेश भर में इसमें घेरने का काम कांग्रेस कर रही है। बिल्कुल अंचल, तो सड़क से लेकर सदन तक नर्सिंग घोटाले का मुद्दा उठ रहा है और दोनों ही पक्ष साक्ष्य की बात कर रहे हैं। अब देखना है कि जब सवाल जवाब होते हैं तो क्या कुछ साक्ष्य यहाँ पर सदन में रखे जाते हैं दोनों ही ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया अंचल तमाम जानकारी के लिए आपका। तो देखिए नर्सिंग घोटाले का मुद्दा जो है वो केवल विधानसभा सत्र के दौरान ही नहीं और सत्र में ही नहीं जो है ये उठ रहा है। नर्सिंग घोटाले को लेकर जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, युवा कांग्रेस का सत्याग्रह बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रही है। तो देखिए आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दें, नर्सिंग घोटाले को लेकर जो है वो युवा कांग्रेस का सत्याग्रह चल रहा है, बोर्ड ऑफिस चौराहे पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन हो रहा है। वोट लेते हैं जिन पालकों से, उनके बच्चों के भविष्य का गला घोटने का काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस पार्टी उन बच्चों और अभिभावकों के साथ है। बस विश्वास सारंग कह रहे हैं कि एविडेंस नहीं है, सबूत नहीं है, किस आधार पर आ रहा है सबूत? जो 5 लाख बच्चे रोड पे हैं जिन्होंने नर्सिंग का एडमिशन लिया उसकी लिस्ट निकाल ले, वो सबूत है। 6 साल से जो लोग, जो क्राइम हुआ, सीबीआई के लोग पकड़ा गए, वो सबूत है। सबूत, हम पाप करेंगे, बच्चों के भविष्य का गला घोटेंगे और सबूत की बात करेंगे, इससे बड़ी बेशर्मी क्या हो सकती है? लगातार कांग्रेस जिस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और विस्तार न्यूज के लिए जफर अशरफी के साथ भोपाल। तो देखिए हमारे सहयोगी जफर अशरफी उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, सीधा उनका रुख करते हैं और जानते हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं, किस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है जफर, और क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से।
देखिए प्रतिज्ञा, जिस तरीके से कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक लगातार एक ही मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है और वो है नरसिंह घोटाला मामला। नरसिंह घोटाले मामले को लेकर लगातार यहां पर कल से ही कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है और आज जो है ये मध्य प्रदेश के राजधानी भोपाल का बोर्ड ऑफिस चौराहा है और यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मितेन सिंह यहां पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं और हम उनसे ही सीधा बातचीत करेंगे कि वो इस बारे में क्या कहेंगे। कांग्रेस लगातार एक ही मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही है, नरसिंह घोटाला मामला, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, किस देखिए नरसिंह घोटाला आज की तारीख में व्यापम 2.0 है। दूसरी मुख्य बात मैं ये बताना चाहता हूँ, बिल्कुल जफर आप इन लोगों से बात करते रहिए क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। अपने दर्शकों को पहले वो बड़ी खबर बता दें, लोकपत मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग हो रहा है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इसका शुभारंभ कर रहे हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह मौजूद रहेंगे और गड्ढों की सीधी फोटो जनता अब अपलोड कर सकती है, तेजी से हो सकेगी गड्ढों की मरम्मत। ये एक अच्छी चीज है कि वो जानकारी देंगे, लेकिन और अच्छी बात तो ये होगी कि गड्ढे ही ना हो, तो 40,000 किलोमीटर में आप अपनी सजगता से ये मौका न लाए कि कोई फोटो खींचना पड़े। और मैं उम्मीद करता हूँ ये सेवा ऐसी है जिसका कोई उपयोग नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि हमारी सजगता से ये सारी बातें आती है। लेकिन हम सब जानते हैं बरसात का समय है, डामर और पानी की दुश्मनी, डामर के सड़क के ऊपर जब कहीं जल भराव की स्थिति बनेगी या ऐसे कोई हैवी वाहन, ये भी एक थोड़ा हमारे लिए चुनौतीपूर्ण मसला है। जब ओवरलोड वाले वाहन होता है तो सड़क की तुलना में कई गुना ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी वाहन तो निकल जाता है, कीमत सड़क को चुकाना पड़ती है। विभाग उसकी चिंता करता है और ऐसे प्रबंधन करेंगे कि भविष्य में ऐसे सारे समस्याओं का समाधान हम कर पाए। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस लोकपत ऐप मोबाइल के लोकार्पण की बधाई, बहुत धन्यवाद। तो देखिए सीएम ने यहाँ पर लोकपत मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग कर दी है, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है, पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह भी मौके पर मौजूद हैं और आपको बता दें कि गड्ढों की सीधी फोटो जनता अब अपलोड कर सकती है और गड्ढों की मरम्मत भी अब तेजी से हो सकेगी। तो देखिए सरकार लगातार आम जनता की सुविधा के लिए कई तरीके की जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कर रही है कि किस तरह से आपकी परेशानी जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो सके, उसके लिए तरीके हर तरीके से सरकार जो है अपनी तैयारी कर रही है और ऐसे में एक मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग यहां पर की गई जिसका नाम लोकपत है। लोकपत मोबाइल ऐप की लॉन्चिंग सीएम डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा की गई है और इस दौरान पीडब्ल्यूडी मंत्री भी वहां पर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप सड़क पर चल रहे हैं जो गड्ढे हैं उनकी सीधी फोटो आप इस ऐप पर अपलोड कर सकते हैं और तेजी से अब गड्ढों का जो है वो मरम्मत भी हो जाएगा। तो ये बड़ी खबर बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अब आपको सीधा लोकसभा लिए चलते हैं, संसद का सत्र चल रहा है, सातवां दिन, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हम उस कास्ट सेंसस के पक्ष में हैं कि बिना कास्ट सेंसस के सामाजिक न्याय संभव नहीं है, सबको हक दिला पाना मुश्किल है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में अग्निवीर को लेकर के जो चिंता विपक्ष की थी और देश के नौजवानों की थी वो चिंता वैसी की वैसी बनी है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं खुद मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूँ, मेरे साथ के बहुत बड़े पैमाने पे लोग फौज में, मैंने समय समय पे जो मेरे साथ पढ़े जो सीनियर थे उनसे भी जानकारी हासिल की है, बड़े बड़े अफसर से मैंने पूछा है, वो शायद आपको न बता पाए लेकिन दबी जुबान में उन्होंने कहा है कि देश की सुरक्षा के साथ अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू करने से समझौता हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, किसी भी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता अगर कोई है तो वो देश की सीमाओं की सुरक्षा है, अग्निवीर जैसी व्यवस्था से कभी संभव नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हम अग्निवीर व्यवस्था को कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं बाद में, जब कभी भी सत्ता में इंडिया गठबंधन आएगा अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने कहा कि हम आय किसानों की दोगुनी कर देंगे, आज किसान पूरा देश का देख रहा है कि उसकी आय कहां दोगुनी हो गई,
और जिस तरह महंगाई बढ़ी है, सरकार बताए कि महंगाई इस बढ़े पे उसकी आय कितनी होनी चाहिए, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि एमएसपी लागू करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा, लेकिन जहां तक मैंने उत्तर प्रदेश में देखा है, अगर इस सरकार में एक भी नई मंडी बनी हो तो मुझे सरकार बता दे। अध्यक्ष महोदय, जो इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर में बनाने की बड़ी बात कही थी, अगर सरकार की तरफ से एक भी मंडी 10 साल में बनी हो तो जरूर सरकार बताए, जो सरकार मंडी नहीं बना सकती है उस पर एमएसपी का भरोसा कैसे कर सकते हैं, जिन्होंने एमएसपी का भरोसा दिलाया था। हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से यही कहेंगे कि जो राष्ट्रपति के अभिभाषण में लीगल गारंटी एमएसपी को मिलनी चाहिए थी, वो क्रॉप्स को नहीं मिली है। न केवल फसलों को मिले, बल्कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को भी एमएसपी देने का फैसला हो, जिससे कि हमारा किसान खुशहाल हो सके। साथ ही साथ ओपीएस की बात अभिभाषण में नहीं आई है, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो, जिससे हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों का भविष्य बन सके। और देश की एक बड़ी आबादी, जहां से मैं चुन करके आता हूं, उत्तर प्रदेश, जहां बुनकर न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के कोने कोने में बुनकर समाज के लोग बड़े पैमाने पर रह रहे हैं, लेकिन बुनकरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो भी सरकार में नहीं मिल पा रही हैं। जो प्रदेश सरकारों ने कभी बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई थी वो भी अध्यक्ष महोदय बंद कर दी हैं। मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, कई सरकार ने नौजवानों को नौकरी नहीं दी है, नौकरी और रोजगार उनसे छीने हैं, बहुत नौकरी छीनी है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं अध्यक्ष जी, इसलिए मैं कहूंगा कि आपके राज में ना नौकरी की उम्मीद है ना रोजगार, क्योंकि आपने छोटे कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया है कि न तो वो अपना पेट भर सकता है न किसी को नौकरी पर रख सकता है। जो कुछ पद निकलते भी हैं तो उन पर लेटरल इंडी के नाम से पिछले दरवाजे से कुछ खास संगी साथियों को रख लिया जाता है। आरक्षण का हक नॉट फाउंड सुटेबल के नाम पर हड़पा जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, आरक्षण के साथ इतनी खिलवाड़ किसी सरकार ने नहीं की होगी जितनी खिलवाड़ इस सरकार ने की है। जहां सरकारी नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, और सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं दी जा रही हैं क्योंकि उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां सबसे बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार है, और पिछले 10 साल में जो क्वेश्चन जो पेपर उन्होंने लीक कराए हैं वो इसीलिए कराए हैं क्योंकि नौकरी ना देनी पड़े, और अगर नौकरी देनी पड़ेगी तो उन्हें आरक्षण भी देना पड़ेगा। ये जानबूझ करके सरकार नौकरी और आरक्षण के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं अध्यक्ष महोदय अंत में इतना ही कहना चाहता हूं, आशा है ये सरकार तब तक चलेगी, तब तक उसके केंद्र में इस देश का हर एक गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, महिला, युवा, छोटा कारोबारी, ईमानदार, नौकरी पेशा, आम आदमी और कर्मचारी, अधिकारी, मजदूर और किसान होगा, ना कि धनवान होगा, और शासन के आधार पर संविधान होगा। वह जुमलों की जगह सच में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, संप्रदाय हिंसा, दलित व महिला उत्पीड़न, सामाजिक अन्याय जैसे मूलभूत मुद्दों का समाधान होगा, और भोजन, बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए कागजी योजनाओं की जगह सच में इंतजाम होगा।